पानीपत के सनौली रोड स्थित IIFL गोल्ड लोन बैंक में 4.5 करोड़ रुपए की डकैती का पर्दाफाश हो गया। डकैती को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था और 4 करोड़ का सोना और लाखों रुपए की नकदी चोर ले गए थे। पुलिस ने वारदात में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 28 जनवरी 2018 की है। बदमाश 4 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और 2,81,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इस डकैती का सरगना दाऊद नाम का आदमी है। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर का रहने वाला दाऊद मुख्य आरोपी है। वहीं DSP सतीश वत्स ने प्रेस वार्ता करके बताया कि उनके पास से लगभग 52,25,000 रुपए कैश और डकैती के रुपयों से खरीदी गई स्विफ्ट कार और 3 अवैध पिस्तौल बरामद की गई है। सहारनपुर जिले का लड़का दाऊद नाम का पानीपत में मनमोहन नगर में किराए पर रहने के लिए आता है। अपने परिवार सहित यहाँ पर रहना शुरू कर देता है और किसी कारणवश और किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण वो भारी कर्जदार हो जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों से जो उसके आसपास रहने वाले थे 4-5 लड़कों का गैंग बनाता है और अपना कर्जा फाड़ने की योजना बनाता है कि किस प्रकार से अमीर हुआ जाए। और वो गैंग बना के IIFL गोल्ड लोन की कंपनी थी हमारे सनौली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास, उसमें डकैती की योजना वो लोग बनाते हैं। 29/1/2018 को इन्होंने पिस्तौल के बल पर उस गोल्ड लोन कंपनी में डकैती करी और ये सबसे आज तक की पानीपत की सबसे बड़ी डकैती थी। इसमें 2 करोड़ की संपत्ति सोना इसमें लूटा गया था, डकैती के दौरान गया था। संवाद 365 के लिए पानीपत से कुलदीप की रिपोर्ट।